This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। दिल्ली के मालवीय नगर में 15 घंटों से लगी है भीषण आग, बुझाने में जुटे एयरफोर्स चॉपर। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक रबर के गोदाम में मंगलवार शाम लगी भीषण आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। यह आग बुझाने को अब एयरफोर्स के चॉपर भेजा गया है। दिल्ली के दमकल सेवा एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना को लेकर करीब 6 बजे फोन आया और आग पर काबू पाने के लिए 35 दमकल गाड़ियों को गोदाम भेजा गया। रात भर जद्दोजहद के बाद भी आग नहीं बुझाया जा सका। यह आग इतनी भीषण है कि स्थानीय निवासी 5 किलोमीटर दूरी से इस आग की लपटें उठती देख पा रहे हैं। जिस गोदाम में आग लगी वो संत निरंकारी स्कूल के बहुत करीब है, जो घटना के समय खाली था। दमकल आग बुझाने के लिए पिछले कई घंटों से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पास के एक आवासीय भवनों में से लोगों को बाहर निकाल रही है। मिली जानकारी के अनुसार गोदाम से रबड़ की चादरें ले जाने वाले ट्रक में अचानक आग लग गई, जो फैल गई। रबड़ शीट से भरे गोदाम को तेजी से फैली। घटना स्थल के करीब साकेत सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल है, जहां रोज लाखों लोग आते हैं। स्थानीय आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि ऐसे कई अवैध फैक्ट्रियां और गोदाम है जहाँ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय आप पार्षद ने SDMC के अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।